वेलकम टू माय ट्यूब चैनल फिजियोमैटिक्स। आज हम बात करेंगे लॉगरिथम क्लास 9 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 9 आईसीएसई वालों के लिए सीबीएसई क्लास 11 में एक चैप्टर आता है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो देखिए, लॉगरिथम जो है ये चैप्टर सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये चैप्टर कहाँ आ गया हम लोग के सिलेबस में। ठीक है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12th में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, 10th में भी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर लॉगरिथम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन इसका लेंगे। ओके, चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बेल आइकन का प्रेस जरूर, ताकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप देखते रहें। ठीक है, तो लॉगरिथम जो है क्लास 9 का कहता है, देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका। ठीक है, देखो कहता है इफ ए इज एनी पॉजिटिव, कहता है इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड एन इज एनी, ठीक है, रेशनल नंबर सच दैट एंड एन इज एनी रेशनल नंबर, ठीक है, सच दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी। ये आपने पढ़ा है, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी, ये पढ़े हो आप इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या था, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ कहा था हमने। ठीक है, कहते हैं कि यही पॉजिटिव नंबर, पहले स्टेटमेंट को समझो आप, इफ अगर कोई ए है, मतलब ए है, ठीक है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और एन, ए और एन, एन क्या है, एनी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है, अगर कुछ ऐसा फॉर्म आता है देन एन इज इक्वल टू, मतलब ये जो एन मीन्स पावर, एन इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग बी बेस ए। अब इसको स्टेटमेंट में लिखो आप, ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ ए यानी रियल नंबर है एक्सेप्ट वन, एक के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड एन इज रेशनल नंबर एन बी पावर इज इक्वल टू बी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म, ये आपका है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो देन देन तब क्या कहोगे, ये तो शर्त है हमारी, ये है शर्त, देन लॉगरिथम ऑफ बी, ठीक है, विथ बेस ए, लॉगरिथम ऑफ बी विथ बेस ए इज इक्वल टू एन। शर्त क्या था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है और इस कंडीशन में हमें क्या करना है, लागू करना है, अप्लाई करना है, कहता है इसका मतलब सेंटेंस कहेगा कि द लॉगरिथम ऑफ बी मीन्स लॉग लिए आप लॉगरिथम ऑफ बी, बी यहाँ लिख दीजिए, चलिए सर, बेस मीन्स लॉगरिथम ऑफ बी विद बेस ए, यानी यहाँ बेस कुछ रहेगा ए, लिखने का टेक्निक है, ठीक है, इज इक्वल टू एन, ये हमारा कौन सा फॉर्म, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉगरिथमिक फॉर्म। और इसी को अगर इस फॉर्म में लिखे तो ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी, ये मेरा कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने यहाँ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि अगर एक कोई ऐसा कंडीशन आता है ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी, तो कहोगे आप द लॉगरिथम ऑफ बी, मतलब स्टेटमेंट क्या है, लॉगरिथम ऑफ बी, ठीक है, विथ बेस ए, बेस ए, बी बेस क्या है, ये है बेस, ठीक है, और ये है आपका इंडेक्स जो आपका पावर है इज इक्वल टू एन। ओके, एन मीन्स नथिंग, ये इंडेक्स हमारा, समझे आप यहाँ तक, चलिए एक कुछ एक छोटा सा चीज देख लो आप, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हमने कहा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इतना आपको पता होगा 2 क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो अब हमने कहा लॉग, ठीक है, समझो ए टू द पावर एन इज इक्वल टू लॉग 8 बेस
बोलिए log a base 2 is equal to क्या log 8 base 2 is equal to 3, मतलब पहले क्या होते हैं मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है मेरा LF लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये है लॉगरिथम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके ऊपर कुछ हमारे ठीक है फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए थोड़ा ज़्यादा ए एन कॉस्ट। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप इसे ले लो, अगर 2³ = 8 होता है, ये आपने पहले पता है 2 टू 4 = 8, अगर आप उसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे लॉग 8 ठीक है बेस 2 इज इक्वल टू 3 है इसका पावर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो जल्दी, स्क्रीन शॉट ले लो आप। चलिए ओके, चलिए बात को थोड़ा फैलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ रिमार्क करने वाला पॉइंट है, नोट। ठीक है, देखो लॉग नोट कर लो a बेस a इज इक्वल टू 1 होता, मतलब अगर लॉग a और उसका बेस भी है तो इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा है आपका लॉग लॉग, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए लॉग बेस a 1 इज इक्वल टू 0 होता। एक और नोट करो आप, लॉग 10 की वैल्यू भी 1 होती है क्योंकि यहाँ बेस 10 होता है। तीन चीज नोट कर लिए। चलिए अब एक चीज फॉर्मूला, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो n इज इक्वल टू y आपने पढ़ा है, इंडिसेस मैंने पढ़ा ही है, इंडिसेस के बाद लॉगरिथम आता है, तो ऐसे इसमें भी यह कहता है। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ मैं नोट कराता हूँ, ये 1, 2, 3 ये फोर्थ है, कहता है log x बेस a इज इक्वल टू ठीक है log y बेस a। यहाँ पे क्या है देखो, बेस है ना, ये बेस सेम है, अगर ऐसा कंडीशन आता है ठीक है देन तब क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू y, क्लियर है। तो ये आप चार फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन थे, मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ अपने सिलेबस से। ठीक है, चलिए अब आप बेस को चेंज करें, जैसे मैंने कहा लॉग 2 निकालो, जैसे क्वेश्चन ने कहा लॉग 2 को कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो लॉग ठीक है 2 बेस 10, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई बेस ना हो, मतलब यहाँ यहाँ नो बेस, नो बेस यानी कोई बेस ही ना हो, अगर मान लॉग 2 दिया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, आप इसको 10 बेस की जगह क्या रख दो, बेस पे 10। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा लॉग 3 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो लॉग 3 बेस 10, लिखने का टेक्निक यही है, लॉग 3 उसके जो बीच में गैप बचता है उसके नीचे जस्ट 10 लगा दो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप देखो, चलिए एक वैल्यू निकालो आप, कहता है छोटे छोटे क्वेश्चन 10^4 = 2, 3, 4 इसको आपको करना है सॉल्व। ठीक है, देखो a टू द पावर n इक्वल टू b लिखा है, तो लॉग ठीक है, जैसे फार्मूला आपने पढ़ा क्या लॉग ठीक है b बेस a इज इक्वल टू n, इतना आपने पढ़ा है। ठीक है, तो लॉग क्या लिखो, b में से ये हमारा ठीक है a टू द पावर n इक्वल टू b, तो लॉग 10,000 बेस क्या लोगे a, ये 10 इज इक्वल टू किया होगा 4। तो ये लिखने का टेक्निक है बस। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है। तो क्वेश्चन जब एक मार्क के पूछेंगे, 1 मार्क के, तो या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में करना पड़ेगा, या तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे उल्टा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 10^4 = जो भी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है log 16 बेस 2, log 16 बेस 2, चलिए ठीक है। अब मान लो
इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो इसका स्टेप देखो आप। स्टेप इसको मान लेते हैं log 16 बेस 2 इज इक्वल टू x, ठीक है, इज इक्वल टू x है आपका, मतलब अब यहाँ से क्या लिख सकते हो डायरेक्ट आप, यहाँ से आप लिख सकते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है, ओके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 4, ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, इसको मान लीजिए x, x का वैल्यू आ गया 4, मीन्स log 16 बेस 2 इज इक्वल टू हो गया 4। टेक्निक देखो आप क्या करोगे, इसको मान लोगे x, फिर यहाँ से a टू द पावर n इज इक्वल टू b लगा दो यहाँ पे, ठीक है, इसके a देखो log b बेस है, b है ये, a टू द पावर n इज इक्वल टू b, यहाँ x का वैल्यू निकल गया, और ये x यहाँ पे रख दो जो माने थे आप, उसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये हुआ लॉगरिथम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो आप, छोटा सा है, यहीं कहीं सॉल्व करते हैं, इसको क्लियर कर दें। बहुत इजी जी, पहला एक्सरसाइज 9.1 आप लोग एसएससी वालों का बहुत इजी है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। log 2 बेस 16 इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, इसको मान लो x, तो हो गया log 2 बेस 16 इज इक्वल टू x मान लो आप, ठीक है। अब देखो ये क्या है, b है, a है, अरे n है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, a टू द पावर n इज इक्वल टू b, मीन्स 16 की पावर, ओके, जल्दी से क्या बोलोगे आप, जी हाँ, यहाँ से बोलोगे 16 की पावर x इज इक्वल टू b मीन्स 2, अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके, 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4, मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4, ठीक है। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, तो ये हुआ 9.1 आपका लॉगरिथम, ठीक है, क्लास 9th वालों के लिए, ICSE सिलेबस का ML अग्रवाल का जो बुक है उसमें सब क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, बस अगले वाले वीडियो में जो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है, अगर आप अभी से समझोगे लॉग को, ठीक है, लॉग कुछ है नहीं, ठीक है, जैसा हमने कहा ए टू बी जैसे मैंने बताया उसको समझ लो, ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।